हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है कॉर्नर ब्लॉग में। अभी मैं सबसे मुश्किल पार्ट करके आ रहा हूँ। हर जर्नी का, हर इंसान का, हर लाइफ का, वो है गुड बाय। गुड बायज आर रियली 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 डिफिकल्ट टू से। जितना आसान उनको बोलना लगता है उतने ही मुश्किल वो हैं। तो प्रिशा तो चलो सो ही रही थी, अगर वो उठी होती तो मेरा आने का मन भी नहीं करता। आने का मन वैसे भी नहीं था वापस अभी घर जाने का, क्योंकि इतनी दूर आप ट्रैवल करके आओ और मतलब एक ही दिन में आपको वापस जाना पड़े, वैसे ही मन नहीं करता। ऊपर से आपकी वाइफ और आपकी बेटी को छोड़ के जा रहे हो फिर तो वैसे ही नहीं मन करता। पर ठीक है भाई, उन्होंने भी अपने घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है अपने घर वालों के साथ। प्रशा को भी नानी चाहिए, दादी के साथ हमेशा रहती है तो थोड़ा टाइम नानी के साथ भी स्पेंड उसको करना उसका हक है, तो वो हम उससे नहीं रोक सकते पर्सनल लालच के लिए। अब वो मुझे मिलेगी कम से कम भी एक या डेढ़ महीने के बाद। ओ, इतने दिनों से दूर कैसे रहना है पता नहीं, पर रहना है। अब वीडियो कॉल पे बात हुआ करेगी। मुश्किल है गुड बाय कहना, मेरी जर्नी हो गई है स्टार्ट फिर से वही। मेरे जहाँ तक मुझे पता है ये कम से कम भी 250-300 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है मेरी। जाते ही वहाँ जाते ही स्टोर जाना है, घर जाते ही बस चेंज करना स्टोर जाना। आई होप सारा सामान मैंने ले लिया हो, कुछ रह ना गया हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे बचा होगा वो भी 2 महीने बाद ही आएगा। लो आप रास्ता देखो, ये बिल्कुल स्टीप रोड है, सीधी चढ़ाई जिसको बोलते हैं। एंजॉय। बिहारी लाल की जय। तो ये वैसे मैंने भूल गया था, पहले मैं व्लॉग में बोलना भूल गया था। चलो भगवान का नाम तो जितनी बार जुबान पे उतना अच्छा। Suddenly from that dullness to this bright morning, मतलब कि जो आसपास के पेड़ों के कलर्स हैं ना वो suddenly इतने bright हो गए हैं ना कि ऐसे आपकी आँखें जैसे चौंधे आ जाएं and you start seeing the beauty of the nature। रुको अभी आगे sunlight आएगी, you will experience it। देखो अभी थोड़ा dark था and here it is। यहाँ पे sunlight है।
थोड़ा डार्क आएगा, फिर थोड़ा सनलाइट आएगा. सो हाउ ब्यूटिफुल नेचर इज, सो हाउ ब्यूटिफुल नेचर इज, दिस इज हाउ यू एक्सपीरियंस नेचर. एंड बहुत इम्पोर्टेंट है आपको नेचर को एक्सपीरियंस करना. और इफ पॉसिबल अगर आपके बच्चे हैं तो उनको छोटी एज से नेचर के साथ यू नो फ्रेंडली करके चलाना, बिकॉज दे आर द फ्यूचर. और अगर फ्यूचर नेचर के साथ फ्रेंडली होगा तो नेचर फ्यूचर के साथ फ्रेंडली होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बिकॉज जो हमारी जनरेशन है, आई बिलीव, मेरा यही मानना है, जो मेरी जनरेशन है वो जो है इतनी फ्रेंडली नहीं है नेचर के साथ, यू नो मतलब अवेयर हो रहे हैं बट दे आर नॉट एक्सट्रीमली फ्रेंडली विद नेचर. और जो मेरे से पिछली जनरेशन है वो फिर भी कुछ हद तक नेचर के साथ चलती थी, बट उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत चीज़ें नेचर को ऐसे हर्ट की हैं. और जो मेरी जनरेशन है वो थोड़ा अब मेरी या मेरे से जो अभी इमीडिएट अगली जनरेशन जो इमीडिएट आगे की जनरेशन है वो थोड़ा नेचर के प्रति अवेयर है, बट हमारी आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल यही जो आज मैं ब्यूटी देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है आज से अगर मैं और 10 साल या 15 साल पीछे चल जाऊँ ये 4x 5x बेटर होगी, और 20 साल पीछे चले जाऊँ 50x बेटर होगी. तो इस हिसाब से पेड़ कम हो गए हैं, घर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, पहाड़ तोड़ के सड़कें बना दी हैं, तो बहुत सारा हमारा जो नेचर है वो डेवलपमेंट के नाम पे लॉस्ट हो रहा है. ठीक है, वी नीड टू प्रिजर्व व्हाट वी हैव और आवर फ्यूचर विल लॉस्ट. जस्ट अ सेकंड, देखो, लुक एट दैट ब्यूटीफुल वैली सामने. नाउ इट इज, दिस इज नॉट एनी पब्लिक, मतलब दिस इज नॉट एनी टूरिस्ट प्लेस और एनीथिंग, जस्ट अ रैंडम हिल ऑफ हिमाचल एंड इट्स अ वैली. How beautiful of an artist is nature. Look at that. Look at this road. It's like tunnel of trees. Tree ki tunnel hai. Kitni beautiful. I cannot even explain. I don't know. Aapko camera mein wo cheez realize ho rahi hai, nahi ho rahi hai. But wow. Kya hi beautiful hai nature. सडनली एक स्पॉट पे सनलाइट है. इट्स लाइक जैसे स्पॉटलाइट वाला हिस्सा, ये पड़ी स्पॉटलाइट एंड हम निकले स्पॉटलाइट. सो इन लाइफ यू मस्ट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स. दीज मेक्स यू रियलाइज हाउ स्मॉल वी आर एंड हाउ बिग थिंग्स अराउंड अस आर. और मैं हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है. हाँ, इनफ ऑफ द लेक्चर. ड्राइव करके बहुत ही मजा आ रहा है. काश आप, लेट मी सी अगर मैं आपको कोई व्यू दे पाऊँ. वेट वेट वेट, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बता नहीं सकता. मतलब नॉट ना ठंड ठंड वाली ठंडी, बट मजेदार ठंडी. ये देखो मेरे आसपास सारे पेड़ ही पेड़ है, और वो देखो बादल. एक रैंडम टर्न हिमाचल की गलियों में, इतनी मस्त जगह है ना, मतलब मैं यहाँ पे 10 घंटे यहाँ बिता सकता. अभी थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि आपको पता है हम एक टाइमलाइन पे चल रहे हैं. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है ना, आपको हर एक मोड पे रुक के दिखाता. बट द बेस्ट थिंग इज अपना एक घर है इसी रूट पे और हमारा आना जाना लगा रहेगा. फिर जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा इनको लेने आऊँगा, फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगा, प्रॉमिस. टाइम हुआ 12:10. जो रास्ता जाते हुए हमें जिसमें 7-8 घंटे लग गए थे, वापसी पे वही रास्ता जो है 5 घंटे में पूरा करने जाऊंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल टाइम भी है. ठीक है, बच्चा साथ था इस वजह से थोड़ा सा अपना
टाइम ज़्यादा लग गया। मैंने मम्मा को कॉल कर दिया कि आप खाना रेडी रखो, गीज़र ऑन रखो, आऊँगा फटाफट, नहाऊँगा, रेडी होऊँगा और निकल जाऊँगा। आई होप 1 बजे तक मैं स्टोर पहुँच जाऊँगा। 12:08 हुए हैं, 12:15 में मोस्ट प्रॉब्लम मैं घर पे होऊँगा, या 20 पे, शायद 20 पे होगा, 20 पे मैं घर आऊँगा। अगर मैं 12:45 भी निकल गया तो 1 बजे पहुँचा। चलो लेट्स सी, मैं मिलूँगा आपको सीधा स्टोर पे। आई एम ऑल सेट एंड रेडी, तैयार हो गया हूँ मैं। बजे टाइम 12:46, समय पहुँचूँगा। घर पहुँच गया था 12:15 पे, मुझे जाते जाते तो थोड़ा लेट रहा क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, आज बाइक निकाल लूँगा लेके जाऊँगा। गाड़ी पे हाथ बैठा हुआ है, बस गाड़ी लेके फटाफट काम पे, शाम को सब्जी मंडी। थोड़ा सा हेक्टिक दिन रहेगा आज का, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि आस पास से आया हूँ, 350-250 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल करके आते ही रेडी होके फिर से काम पे, फिर काम पे फटाफट काम करके, अब 2 दिन से गया नहीं तो काम भी पाइल अप होगा, काम करके फिर घर पे भी अभी चीज़ें पेंडिंग होगी, 2 दिन से मैं था नहीं तो कोई सब्जी लानी होगी, खाने पे कुछ लाना होगा, सारे काम निपटाने में अभी नॉर्मल होने में मतलब कि 1 से probably 2 दिन लगेंगे और फिर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। पिशू को मिस कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आयशा को भी कर रहा हूँ साथ में, ये 2 दिन में वो मेरे साथ ही थी, मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा उसने। उस वजह से जनरली मैं सुबह मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, ठीक है, और ऑफ वाले दिन होता है कि चलो मैं उससे थोड़ा सा, जिस दिन वो मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, अदरवाइज मैं सुबह और शाम उसको मिलता हूँ। बट ये 2 दिन वो बिल्कुल मेरे साथ ही चिपकी रही है, वो भी मुझे मिस कर रही है, मैं भी उसको मिस कर। थक गया हूँ मैं, आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहा हूँ, नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। मैंने सुना नारियल पानी एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, देखते हैं कितना कारीगर है और कितना असरदार है। बहुत मस्त है वैसे, मज़ा आ जाता भैया, एकदम रिफ्रेशिंग है। एक्चुअल में आंखें खुल रही हैं, लग रहा है एनर्जी ड्रिंक का काम कर देगा। बड़ी ज़ोरों शोरों से ब्यूटिफिकेशन चल रही है, सारे इसमें पार्क में घास तो इन्होंने लगा दी है, थोड़े दिनों में हरी भरी हो जाएगी, क्या मस्त पिक्चर आएंगी और क्या मस्त ये बनेगा। आज से इसने भी ज्वाइन कर लिया, पहले ही दिन लेट आके मेरी बेइज्जती भी करा दिया, उम्मीद है आगे ठीक रहेगा। यहाँ से तो हो गया फ्री, पर अभी घर पे भी 2-3 काम वेट कर रहे हैं मेरा, अब सारे काम निपटाऊँगा ताकि कल मस्त रिलैक्स रह सकूँ। अभी लगाएंगे थोड़ा सा म्यूजिक और जाएंगे घर, घर जाके मिलता हूँ। 10:30 बज गए, पर अभी भी दिन नहीं खत्म हुआ, अभी एडिटिंग करनी है इस ब्लॉग की, एडिट करके ही सोऊंगा ताकि कल थोड़ा फ्री उठो। अभी के लिए गुड बाय, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दो, मिलूंगा आपसे कल, गुड नाइट।